गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। और आज जो है ना, हमें डैडी के बैंक में जाना है क्योंकि उनका अकाउंट जो है ना बंद हो चुका है, इनएक्टिव हो चुका है। पिछले एक दो साल से उसको यूज में नहीं लिया है, तो उसको एक्टिवेट करा के आना है। तो चलो वहीं चलते हैं, अभी लंच हो जाएगा। मोदी जी ने मेरे बैंक में है ना पैसे डाले थे, तो वो भी निकाल के लाना है। गाइस, आज से है ना एक दो साल पहले मम्मी ने बैंक में अकाउंट खुलवा लिया था, तो उसमें मोदी जी ने ना पैसे डाल दिए थे। तो पिछले एक साल से ना मम्मी मेरे पीछे पड़ी हुई है कि वो पैसे निकाल के ला। मुझे लग रहा है उसमें बहुत सारे पैसे हैं, तभी मम्मी मेरे पीछे पड़ी हुई है। कितने पैसे हैं उसमें? 500 रुपए। और बाहर से बहुत ज्यादा धूप हो रही है, तो मैंने फुल बाजू की टी शर्ट पहन ली है। अब चलते हैं, यहाँ पर मार्बल का काम चल रहा है, धूल ही धूल हो गई भयंकर। चलो भाई चलते हैं फटाफट। और गाइस, अब कोरोना केसेस ना बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो अब यहाँ पर तो ज्यादातर लोग मास्क लगाने लग गए। और वैसे मैंने कॉल करके पूछ लिया, बट उन्होंने बोला ब्रांच में आना ही पड़ेगा, इसलिए ब्रांच में जा ही रहे हैं। तो ये आ गया बैंक। ये बैंक पहले दूसरा था, ये कन्वर्ट हो गया दूसरे बैंक में। तो गाइस, अभी है ना डैडी की फोटो खिंचवाने जा रहे हैं, फोटो लगेगी फॉर्म पे। तो गाइस, अभी फोटो भी खिंचवा ली और फोटो कॉपी भी करा ली आधार कार्ड की। अब बस फिर से बैंक में जा रहे हैं और वहाँ पर फॉर्म वॉर्म लगाएंगे। चलो गाइस, फाइनली काम निपट गया है। बोल रहे 2-3 दिन में रीएक्टिवेट हो जाएगा, मैसेज आ जाएगा अपने पास। इससे पहले मेरे 2 अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुके हैं। गाइस, डैडी ने तो हैट्रिक मार दी है, 3 अकाउंट डीएक्टिवेट करवा दिए डैडी ने। बात तो सही है। मोस्टली मेरा अकाउंट काम में आता है, तो डैडी का अकाउंट काम ही नहीं आया था पिछले एक दो साल से, तो डीएक्टिवेट हो गया। अभी यहां गाड़ी रोकी, डैडी कह रहा है आइसक्रीम लेके चलेंगे मम्मी के लिए। ले लो आइसक्रीम, ले लो। दिख ही नहीं रही यहां पे कौन सी जगह है आइसक्रीम। आइसक्रीम कॉर्नर में लास्ट। आइसक्रीम किधर है? आइसक्रीम मिल गई भाई, आइसक्रीम मिल गई। इसमें से कौन सी लो समझ में नहीं आ रहा। कॉर्नेटो है, ओरियो है। इसका बटरस्कॉच कौन आएगा? ये 45 का है, डबल चोका आएगा ये 40 का है, पिस्ता का है, एक बटर स्कॉच का, ये 30 वाले हैं। दोनों बार वाले में देख लो, 20 वाले में देखते हैं कितनी। पार्टी लाल का भी बहुत शानदार है। तो गाइस आइसक्रीम ले लिया, फटाफट चलते हैं, पिघल जाएगी नहीं तो। बिस्किट ले लिया तुमने? तेरे लिए ले ली। अरे तो मुझे नहीं खाने। गाइस रेडी, यहां पे ना 90 की स्पीड पे गाड़ी भगा रहा है ताकि आइसक्रीम नहीं पिघल जाए। ए गेट खोलो, धूम मचा ले रंग चमाले। क्या है? आइसक्रीम। डैडी ने बोला मैं चॉकलेट नहीं खाऊंगा, तो डैडी है ना लेके आए कुल्फी, उसको अंदर रख दो ना तो पिघल जाएगी। हाँ लेते हैं। तो गाइस चलो टेस्ट करते हैं ऐसी चोको कोबार वाली आइसक्रीम, दोनों काफी टाइम बाद खा रहे हैं। कोन जरूर खाते थे, लेकिन ये काफी टाइम बाद खा रहे हैं। वाह, चॉकलेट खा लो क्योंकि डैडी के बेकार है। तो गाइस अभी आइसक्रीम खाई रहते हैं और मेरे पास कॉल आ गया है। मैंने एक स्पेशल लैपटॉप का बैग मंगाया था, आपको भी दिखाऊंगा, वो बाहर आ गया, बंदा लेकर आते हैं। गाइस अभी ना कारीगर का काम तो हो गया है, वो चले गए हैं, अब सीढ़ियों का काम हो जाएगा, उसके बाद आएंगे। तो मम्मी और डैडी ना बाहर थोड़ा सा पक्का जमा रहे हैं, तो चलो चल के देखते हैं। ये देखो ये क्या कर दिया, यहाँ पे कपड़े बिछा दिए हैं पुराने। मेरा पैर ना इसमें फंस चुका है, हाथ से निकालू क्या? छी, तो चप्पल गायब हो जाएगी इसके अंदर। मम्मी पीछे सांड आ रहा है, जल्दी हटो। सांड आ रहा है, मम्मी इधर आ जाओ। क्या हालत होगी सारा, जैसे गोबर लग गया हो। गाइस सांड खड़ा है यहाँ पे और मुझे इसको साफ करना है। मम्मी सांड आ गया फिर से, पीछे आओ पीछे, इधर आ जाओ इधर। डैडी भी काम पे लग गए हैं। 500 रुपए। गाइस अभी ना कोई मजदूर जा रहे रोड से, डैडी ने उनको पकड़ लिया, बोलते हैं कि मैं उनको पैसे नहीं दे रहा हूँ। 500 तो मेरे बनते हैं। गाइस अभी ना ये पाइप चला के पानी डालते हैं मम्मी। मैंने डाले ही नहीं, पता नहीं कहाँ से बारिश आ रही है। आ जाओ फिर काम मत करो। अरे डैडी आप और लग गए इनके साथ साथ, पानी डाल दूंगा मैं, आ जाओ फटाफट। ये मम्मी ने अपने पुराने कपड़े बिछा दिए यहाँ पे। क्या बिछाया है ऐसे, कोई आएगा देखेगा क्या बिछ रहा है? अरे रहने दो, आ जाओ अंदर। गाइस आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों नहीं काम करा रहा हूँ। एक्चुअली कितनी कोशिश कर लो, कितना ही काम कर लो, लेकिन मम्मी फिर भी आके ना अपने हाथ से काम करेगी, बोलेगी नहीं तुमने सही नहीं किया, मैं सही करूंगी, तो इसलिए मम्मी लग जाती है एंड में आके। अब कह रही थी कि इस मिट्टी का ना स्लोप बनाऊंगी, कारीगर स्लोप बना गया था, फिर भी उसके जाने के बाद ना खुद लग गई, बोले इसने सही नहीं बनाया। बोल रही है एकदम 45 डिग्री का ही स्लोप बनाऊंगी, और साथ में डैडी को और पकड़ लिया, डैडी को अलग ही काम पे लगा दिया और मुझे भी पकड़ लेती। गाइस यहाँ पर अपने पास ना 2 बॉक्स आ चुके हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, तो आज एक ही खोलेंगे और एक कल खोलेंगे। तो आज मैं सबसे पहले ये वाला बॉक्स खोल रहा हूँ, ज्यादा बड़ा लग रहा है। बड़ा बैग तो ये है। दोनों डब्बे ना ऑलमोस्ट बराबर है, लेकिन ये ज्यादा बड़ा है, तो ये कल खोलेंगे, आज ये वाला खोलते हैं। इसी को खोलो। पर गाइस खोलने से पहले इसमें दिखाई पत्थर आ गया इसमें, क्या डब्बा नीचे गिर गया था क्या? ये डिलीवरी वाले से गिर गया होगा। चलो गाइस इसको खोलते हैं, मस्त चीज लग रही है इसके अंदर। इसके अंदर क्या है? बड़ा डिब्बा है तो कुछ आइडिया लग नहीं रहा है। अच्छा ये ऐसे खुलेगा इस तरह से। ओ क्या चीज आई है गाइस, तो ये अनबॉक्स हो चुका है और इसके अंदर आया है ये। अभी तक आपको नहीं पता लगा होगा क्या चीज है, अभी बताता हूँ। तो यहाँ पर आ चुका है एक और सिक्योरिटी कैमरा, 360 घूमता है ये। ये कोई नया मॉडल? हाँ नया मॉडल। खुलेगा से? इसी खुलने की जगह साइड से खुलेगा। ओहो ये तो बहुत बढ़िया चीज लग रही है। इसका अडैप्टर भी आ गया है, बहुत बढ़िया। इसको एक कसने करने का सारा जुगाड़, वेरी गुड।
और ये अपना फाइनल कैमरा, बहुत ही तगड़ा है, क्या बात है। चलो इसको चलाकर देखते हैं, इसमें लाल लाइट आ गई है। तो गाइस वैसे तो घर में सिक्योरिटी कैमरास लग रहे हैं, बट एक और की जरूरत पड़ रही थी तो मैंने एक और मंगा लिया है। और इसमें पहले वाले कैमरे से ना ज्यादा रेजोल्यूशन कैप्चर होता है, तो इसको मैं फटाफट अभी सेटअप करता हूँ और फिर इसको डैडी है ना इंस्टॉल कर देंगे कहीं ना कहीं। देखो ये जो प्रीव्यू दिख रहा है ना आपको, ये अपना ना इसके अंदर से दिख रहा है, और इसी से ना कैमरे को देखो लेफ्ट राइट भी देख सकता हूँ। देखो लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ऊपर भी कर सकता हूँ, नीचे भी कर सकता हूँ, जिधर मर्जी आए उधर कर सकता हूँ, मस्त चीज है। तो गाइस कैमरा तो अनबॉक्स कर लिया है, अब डैडी देखेंगे इसको कैसे इंस्टॉल करना है। लेकिन डैडी बोल रहे हैं कि लगाने से पहले है ना मेरी बेलदारी के पैसे वापस चाहिए। तो चलो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आपने ब्लॉग यहाँ तक देख लिया और आपको ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और थोड़ा पीछे जाओ, और भी कुछ करो, एक्शन तगड़ा वाला, उंगली वाला तो हो गया।